नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप सभी को याद है हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए यूनिट सेकंड शुरू की थी स्टीरो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे हम प्रकाशिक समाव्यता को पढ़ रहे थे कल जो हमने शुरू किया था वो नॉमिन शुरू किया था ठीक है तो हमने नॉमिन देखे थे दो तरीके से दो तरीके के विन्यास होते हैं एक एब्सोल्यूट और एक रेलिटिव ठीक है रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक में डी व एल नॉमनक्लेचर होता है एक में आर और एस नॉमिनक्लेचर होता है तो कल जो हमने पढ़ा था वो डी और एल नॉमनक्लेचर था ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा डी और एल नोमिनक्लेचर कैसे किया जाता है जब हम डी और एल नॉमनक्लेचर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में या इसका ये जो डी और एल नॉमनक्लेचर है इसका यूज हम एक जगह और करते हैं जो कि हमारे अमीनो एसिड्स में अमीनो एसिड्स में भी हम डी और एल नोमिनक्लेचर कर सकते हैं एमिनो एसिड में भी हम डी और एल नोमिनक्लेचर कर सकते हैं कैसे करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में किया था बस थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पर हम जो हमारी यूनिट लेकर चले थे मानक लेकर चले थे स्टैंडर्ड क्या लिया था हमने ग्लिसरल डिहाइड को किसको लिया था ग्लिसरल एल्डिहाइड ग्लिसरल डिहाइड उसको हमने क्या माना था हमारा स्टैंडर्ड मानक माना था और उसके आधार पर हमने डी और एल नॉमन किया था कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसे ही अमीनो एसिड में भी हमको एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा ग्लिसरल डिहाइड तो नहीं ले सकते हम अमीनो एसिड में क्या होते हैं अमीनो एसिड आपको पता होगा ना एल्फा अमीनो एसिड जिनमें एक कार्बन होता है जिस पर एक तो होता है एन ग्रुप एक होता है सीओ ग्रुप एक होता है आर ग्रुप और एक होता है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एक होता है हाइड्रोजन एक होता है NH2 ग्रुप एक होता है COOH और एक तो होता है R ग्रुप ये R ग्रुप हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्काइल या एराइल समूह भी हो सकता है ठीक है ये होते हैं हमारे एल्फा अमीनो एसिड अब अमीनो एसिड में तो NH2 ग्रुप आता है जबकि ग्लिसरल डिहाइड क्या था CHO OHH, CH2, OH। तो इनके आधार पर इनका हम डी व एल नोमन नहीं कर सकते ग्लिसरल डिहाइड के आधार पर हम इसका डी और एल में नोमन नहीं कर सकते तो यहाँ पर हमको दूसरा स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा किसी और को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा जिसमें एन ग्रुप भी हो सी ग्रुप भी हो यानी कि ये में से हो सकता है सी ग्रुप और अमीन ग्रुप एसिड ग्रुप और अमीन ग्रुप किसमें होते हैं एक साथ अमीनो एसिड्स में ही होते हैं यानी कि जो हम स्टैंडर्ड लेंगे वो जो अमीनो एसिड होते हैं उनी में से किसी एक को स्टैंडर्ड मानेंगे जितने भी अमीनो एसिड हैं, उनमें से हम किसी एक को क्या मानेंगे स्टैंडर्ड मानेंगे तो किसको माना गया कौन सा अमीनो एसिड था जिसे हमने स्टैंडर्ड माना तो यहां हम लिख सकते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं एसिड में डी वा एल नामकरण या नॉमन क्लेचर एमिनो एसिड में डी वा एल नॉमन क्लेचर ठीक है यहां पर हमने माना किसको माना है तो यहां लिख सकते हैं अमीनो अम्लों का नामकरण करने के लिए करने के लिए सिरीन हिंदी में लगू सीरीन अमीनो अम्ल एक अमीनो अम्ल है एक अमीनो एसिड है कौन सा सिरीन सीरीन अमीनो अम्ल को क्या माना गया है मानक माना गया है देखते हैं सिरीन अमीनो अम्ल क्या है कौन सा अमीनो एसिड है सिरीन कौन सा अमीनो एसिड है भाई सीरीन सीरीन जो अमीनो एसिड है ये है सी ओ एच होता है इसमें एक एन एच टू होता है एक हाइड्रोजन होगा और एक ग्रुप होता है सी एच टू ओ एच ये कौन सा अमीनो एसिड है ये है सीरीन अमीनो एसिड सीरीन अमीनो एसिड जैसा कि हमने डी वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में देखा था कौन सी रिप्रेजेंटेशन को चुना गया था फिशर को तो यहाँ पर भी हम इसको किस में लिखेंगे फिशर में लिखेंगे ठीक है इसको हम किस में लिखेंगे फिशर में और फिशर में मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कौन सी लाइन पर होनी चाहिए वर्टिकल लाइन ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर क्या होनी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन होने चाहिए यानी कि इस पर हम क्या रखेंगे अपने कार्बन रखेंगे तीन कार्बन है वैसे ये फिशर ही बना हुआ है ये जो मैंने लिखा हुआ है फिशर में ही लिखा हुआ है ठीक है पूरा ऑर्डर के साथ लिखा हुआ है फिर क्या होगा रख दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन फिर हमने बोला था जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा वो कहाँ रहेगा टॉप पर तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कौन सा है सी ओ ओ एच मोस्ट ऑक्सीडाइज कौन सा है सी ओ ओ एच और जो सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइज होगा जो यानी कि सी एच टू एच जाएगा नीचे तो बचा क्या बचा हमारे पास एन एच टू और एच अब ये दो तरीके से विन्यास हो सकता है एक में सी ओ एच और सी टू एच ये तो यही रहेंगे लेकिन एन एच टू क्या आ सकता है इधर आ सकता है जैसे वहां पर ओ एच का विन्यास अलग अलग था ओ एच लेफ्ट में भी हो सकता है ओ एच राइट में भी हो सकता है वैसे यहाँ पर ओ एच की जगह पर कौन सा ग्रुप है NH2, टू अमीन ग्रुप है NH2 टू है तो यहाँ पर एन एच टू लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है अब वही करेंगे जो हमने वहाँ किया था वहाँ क्या किया था इसको देखना है इस पार्ट को देखना है अगर एन एच टू ग्रुप अगर एनएच टू ग्रुप राइट में है कौन से हाथ की तरफ है दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर है सीधे हाथ की तरफ है अगर एनएच टू ग्रुप सीधे हाथ की तरफ है राइट हैंड साइड पर है तो इसे कहेंगे हम डी सीन डी सेरिन ठीक है ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया डी लेकिन अगर एनएच टू ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है कौन से लेफ्ट हैंड साइड पर है अगर एन एच टू ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर है उल्टे हाथ की तरफ है तो इसे क्या कहेंगे हम एल सीरीन यहाँ कहेंगे हम एल सीरीन तो यहाँ पर भी हम दो तरीके से नॉमनक्लेचर कर सकते हैं डी और एल किसके आधार पर एन एच टू ग्रुप के आधार पर अगर एन एच टू ग्रुप राइट साइड में है तो डी और अगर एन एच टू ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो एल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में किया था बस वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पर यहाँ पर कौन सा था हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पर कौन सा है अमीन ग्रुप इतना ही डिफरेंस है बिल्कुल उसी तरह से हम नॉमनक्लेचर करते हैं ठीक है तो ये था अमीनो एसिड में डी बा एल नॉमिन ठीक है तो जैसे अगर आपको ये वाला अमीनो एसिड दे दिया जाए टू एच सी एच थ्री लगा दू मैं यहां पर NH2 टू H एच एच यहां पर एच और यहां पर सी एच थ्री तो यहां पर देखेंगे NH2 टू ग्रुप ठीक है यहां पर हमें सी एच टू से मतलब नहीं है बस हमें किससे मतलब है एनएच टू के विन्यास किस से किससे मतलब है एनएच टू के विन्यास से मतलब है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था जैसा कि मैंने बोला था यहां पर क्या लगा होता है आर ग्रुप होता है एमिनो एसिड में यहां पर क्या होता है आर ग्रुप जो कि अलग अलग एमिनो एसिड में अलग अलग तरीके का होता है सीरीन में सी एस टू एच होता है किसी में सी एस थ्री होगा किसी में आइसू प्रोफाइल ग्रुप होता है किसी में कोई और ग्रुप होता है तो ये आर ग्रुप जो है हर अमीनो एसिड में चेंज होता है तो हमें केवल किस पर ध्यान देना है केवल इस एन एच टू इस कार्बन नंबर दो पर ध्यान देना है एनएस टू के विन्यास पर अगर एन एस टू राइट साइड में है तो डी लेफ्ट साइड में है तो एल तो यहाँ पर अगर हम देखें एन एच टू का है राइट साइड में एन एस टू का है राइट हैंड साइड पर तो ये कहलाएगा डी यहाँ पर एन एस टू का आए लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये कहलाएगा एल यह कहलाएगा डी क्योंकि एन एस टू राइट साइड पर है यह कहलाएगा एल क्योंकि एन एस टू लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इस तरह से हम अमीनो एसिड में डी और एल नोमिनक्लेचर करते हैं नोट कीजिए जल्दी से फिर आगे चलते हैं अब हम देखेंगे आर एस नोमिन आर एस नॉमिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से सीखिएगा आप आर एस को अब हम कौन सा नॉमिन देखेंगे आर एस आर एस नॉमिन क्लेचर हिंदी में बोलूं नामकरण नामकरण अब हम मॉलिक्यूल को या तो आर बोलेंगे जैसे वहाँ पर डी और एल बोला था यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को या तो आर बोलेंगे या तो फिर एस बोलेंगे अब ये आर का क्या मतलब होता है और एस का मतलब क्या होता है ये जो आर है आर का मतलब होता है यहाँ पर रेक्टस ये जो आर है आर किस लिया गया है रेक्टस से लिया गया है और एस जो होता है ये सिनिस्टर से लिया गया है आर का मतलब है रेक्टस एस का मतलब है सिनिस्टर यहाँ पर आर है रेक्टस से लिया गया और एस लिया गया सिनिस्टर से, से रेक्टस का मतलब क्या होता है रेक्टस का मतलब होता है राइट रेक्टस का मतलब क्या होता है राइट और सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट ठीक है रेक्टस का मतलब क्या है राइट सिनिस्टर का मतलब क्या है लेफ्ट अब मैंने इनका नाम आर को रेक्टस बोला है राइट बोला है और एस को सिनिस्टर या लेफ्ट बोला है तो आप इसको उससे मत जोड़िएगा डी और एल से क्या आप सोचे कि पर वो ग्रुप राइट में था तो डी बोल दिया लेफ्ट में था तो क्या बोल दिया एल बोल दिया तो वैसे ही आप यहाँ पर सोचो कि कोई राइट में होगा तो आर बोल देंगे लेफ्ट में होगा तो एस बोल देंगे ऐसे नहीं है भाई यहाँ पर आर एस निकालना पड़ेगा तरीका है प्रॉपर प्रॉपर रूल्स हैं उनको फॉलो करके हमें मॉलिक्यूल के अंदर आर और एस डिसाइड करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल आर है या एस है ये तो केवल इनका फुल फॉर्म बताइए मैंने कि यहाँ पर आर क्या है रेक्टस रेक्टस मतलब राइट एस क्या है सिनिस्टर सिनिस्टर मतलब एस वो लेफ्ट ठीक है अभी हम देखेंगे कि आर एस कैसे निकालते हैं हमें अगर आर एस निकालना है ठीक है तो हमें एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना होगा एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होगा आर एस के लिए ठीक है कि बॉन्ड की ओरिएंटेशन हमेशा डिफाइन होनी चाहिए बॉन्ड की ओरिएंटेशन हमेशा डिफाइन होनी चाहिए यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है ऐसे लिख दिया मैंने एक जुड़ा हुआ है इससे ओ OH, एच एक जुड़ा हुआ है एच ठीक है या एक जुड़ा हुआ है सी एस थ्री एक जुड़ा हुआ है सी ओ ओ एच और एक जुड़ा है मैंने एच और ओ OH एच को मैंने ऐसे लिख दिया वे बी लाइन से ठीक है ये ओ OH. एच अब इतना तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा कार्बन है जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग हैं और sp3 थ्री संकृत है तो यहाँ पर क्या होगा काइरल सेंटर और आर एस निकालने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना बहुत जरूरी है काइरल सेंटर ये जो काइरल सेंटर है यानी ऐसा कार्बन जिससे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी एसीमेट्रिक सेंटर होना अनिवार्य है क्या होना अनिवार्य है एसीमेट्रिक सेंटर होना अनिवार्य है लेकिन खाली एसिमेट्रिक सेंटर होने से काम नहीं चलेगा अगर मैं बोलूँ कि इस मॉलिक्यूल का आर एस निकाल दो इस मॉलिक्यूल का आर एस निकालो कि ये आर है या एस तो क्या आप निकाल सकते हो निकाल सकते हो तो जवाब होगा नहीं इसका हम आर एस नहीं कर सकते इसका हम आर एस नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने बॉन्ड को किससे दिखाया है वेवी लाइन से दिखाया है एक ऐसी लाइन से दिखाया है जो जिग जैक है टेढ़ी मेढ़ी है और इस लाइन का मतलब होता है कि बॉन्ड की ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं है इस लाइन का मतलब क्या है कि बॉन्ड की ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं है ओरिएंटेशन मतलब कि बॉन्ड एवब द प्लेन है बिलो द प्लेन है कैसा है प्लेन पर है ये पता नहीं है यहाँ पर हमने वेवी लाइन से दिखाया गया है तो हमें यह नहीं पता कि ये हाइड्रोजन एवब द प्लेन है या बिलो द प्लेन है या फिर प्लेन पर है ये ओ OH एच ग्रुप, ग्रुप एवब द प्लेन है बिलो द प्लेन है या प्लेन पर है इसकी ओरिएंटेशन हमको नहीं पता और जब तक हमको मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन पता नहीं होगी तब तक हम आर एस नहीं कर सकते जब तक हमको मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन पता नहीं होगी तब तक हम आर एस नहीं निकाल सकते यानी हमें पता होना चाहिए कि ये ओ एच एव प्लेन है या बिलो द प्लेन है या फिर अगर फिशर में लिखा हुआ है तो हॉरीजोंटल लाइन पर है या वर्टिकल लाइन पर है है ना हम दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में आर एस निकाल सकते हैं वेज रिप्रेजेंटेशन में भी आर एस निकाल सकते हैं और फिशर में भी हम दोनों में निकालना सीखेंगे शुरुआत करेंगे वेज से फिर हम फिशर में निकालना सीखेंगे कि फिशर में कैसे निकालते हैं लेकिन दोनों ही कंडीशंस में पहले हमको ओरिएंटेशन डिफाइन करनी पड़ेगी अगर वेज में है तो बताना पड़ेगा कि कौन सा एव द प्लेन है कौन सा बिलो द प्लेन है अगर सिर्फ क्या है उसमें लिख रहे हैं फिशर में तो देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्टिकल लाइन पर है और कौन सा हॉरिजॉन्टल क्योंकि वहां पर हमें पता है जो हॉरीजोंटल लाइन है वो एव द प्लेन होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो बिलो द प्लेन होती है तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बंद का ओरिएंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बंद का ओरिएंटेशन सदैव ज्ञात होना चाहिए यानी ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एच को एबव द प्लेन कर दिया और ओ OH एच को कैसे कर दिया बिलो द प्लेन तो क्या अब आर एस निकाल सकते हैं हम अब इसका आर एस कर सकते हैं यस तो जवाब होगा यस अब हमने बॉन्ड को डिफाइन कर दिया कि कौन एब है और कौन ब्लो तो अब हम आर एस कर सकते हैं तो मेरे लिए कहने का मतलब क्या है बंद का ओरिएंटेशन हमेशा ज्ञात होना चाहिए ठीक है अब देखेंगे हम आर एस कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे इसके लिए कुछ रूल्स हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं आर एस निकालना है तो हमको स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ेगा तो स्टेप बाई स्टेप सीखना पड़ेगा तो पहला स्टेप क्या है स्टेप फर्स्ट क्या है स्टेप फर्स्ट है प्रायोरिटी प्रायोरिटी रूल स्टेप फर्स्ट क्या है सबसे पहला काम हमको क्या करना है प्रायोरिटी देखनी है कार्बन हम जानते हैं कि आर एस निकालना होगा तो क्या होना चाहिए असम्मित कार्बन एसीमेट्रिक कार्बन होना चाहिए जिस पर चार अलग अलग ग्रुप होने चाहिए अब उन चार अलग अलग ग्रुप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यानी कि जो सबसे प्रायोरिटी वन टू चार ग्रुप हैं तो प्रायोरिटी कैसे देंगे वन टू थ्री फोर वन नंबर उसे देंगे जिससे प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी और फोर नंबर उसे देंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको वन नंबर देना है किसको फोर नंबर देना है उसी के लिए है ये हमारा स्टेप नंबर वन तो सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि ये जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से उनको प्रायोरिटी देनी है प्रायिकता देनी है कैसे देंगे वो हम देखते हैं उसके लिए सी रूल लगता है क्या लगता है प्रायोरिटी देने के लिए सी तीन साइंटिस्ट थे कान इन गोल्ड और प्रिलॉग उन्होंने अपना एक रूल दिया कि हम कैसे प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे उस आधार पर पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे तो पहला स्टेप है प्रायोरिटी निकालना पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है कि जो असमित कार्बन परमाणु है असमित कार्बन परमाणु यानी कि हमारा जो एसीमेट्रिक सेंटर था या एक और नाम से बोलते हैं इसे कायरल सेंटर यानी जो कायरल कार्बन है तो असमित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जुड़े हुए चार भिन्न भिन्न समूहों को भिन्न भिन्न समूहों को समूहों को क्या देना वरीयता अंक क्या देना है वरीयता अंक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रायोरिटी प्रायोरिटी प्रदान करना सबसे पहला काम है प्रायोरिटी देना कार्बन से जो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होंगे उनको प्रायोरिटी देना कैसे देंगे कैसे देंगे इसके लिए हम क्या यूज करते हैं सी आई पी रूल का प्रयोग कर क्या यूज़ करेंगे हम सी रूल का प्रयोग कर वरीयता प्रदान की जाती है प्रदान की जाती है जब भी हम प्रायोरिटी देंगे तो किसके अकॉर्डिंग देंगे कौन सा रूल लगाएंगे सी रूल प्रायोरिटी देने के लिए क्या लगाएंगे हम सी आई पी रूल ये तीन साइंटिस्ट थे उनका नाम है सी आई पी तीनों साइंटिस्ट का नाम है हमें तो क्या करना था प्रायोरिटी देनी थी क्या यूज़ करेंगे हम सी आई पी रूल यहाँ पर सी फॉर कैन आई फॉर इन पी फॉर प्रिलॉग ये तीन साइंटिस्ट के नाम है कैन इन और प्रिलॉग तो ये जो प्रायोरिटी रूल थे ये किसने दिए थे कैन इन और प्रिलॉग ने दिए थे इसीलिए इसको कहा जाता है सी आई पी रूल इसमें कुछ हम बातों का ध्यान रखेंगे और जो हमारे कार्बन से जुड़े हुए अलग अलग समूह उनको वरीयता प्रदान करेंगे तो देखते हैं हम कैसे इनको वरीयता देते हैं मान लो हमारे पास ये है एक ऐसा कार्बन है जिससे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन एक है ब्रोमीन और एक है हमारे पास हाइड्रोजन अब ये कार्बन क्या है एक असमित कार्बन परमाणु है एसिमेट्रिक सेंटर है कायरल सेंटर है एसपी थ्री संकृत है और चारों अलग अलग ग्रुप भी जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये क्या है कि सेंटर अभी हम ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे है कि कौन है ऐ कौन बिलो है वो हम तब करेंगे जब हम आर एस निकालेंगे अभी तो हम क्या कर रहे हैं अभी तो हम केवल प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं वरीयता अंक प्रदान कर रहे हैं कि किसको वन मिलेगा किसको टू मिलेगा किसको थ्री मिलेगा किसको फोर एक बार हम ये डिसाइड कर लें तो आर एस आसानी से निकल आएगा ठीक है तो मेन काम तो यही है इसका बाकी आर एस निकालना तो ईजी है बस सबसे टफ काम क्या है उनको प्रेफरेंस देना कैसे देंगे तो इन्होंने बताया पहला रूल पहला रूल क्या है पहला रूल क्या बताया पहला रूल यह बताया कि जिस जिस परमाणु या समूह ठीक है जिस परमाणु का क्या होगा यहां देखें फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आइडीन तो क्या बात करेंगे हम परमाणु क्रमांक की बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे परमाणु क्रमांक ठीक है तो कैसे देंगे परमाणु क्रमांक जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है उसे वन अंक देते हैं उसे नंबर वन अंक देते हैं तो यानी कि यहाँ पर हम जो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे वो किस आधार पर करेंगे उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर किसके आधार पर परमाणु क्रमांकों के आधार पर तो हमारे पास क्या क्या है फ्लोरीन yes. है क्लोरीन है ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है वन फ्लोरीन का कितना है नौ हाइड्रोजन का है वन फ्लोरीन का कितना है नौ है और क्लोरीन का सत्रह और ब्रोमीन का कितना है पैंतीस फ्लोरीन का कितना है नौ क्लोरीन का है सत्रह ब्रोमीन का है पैंतीस ठीक है तो ये हमने इनके परमाणु क्रमांक लिख लिए ये चार ग्रुप हैं हमें क्या करना है सबसे पहले हमें देखना है कि परमाणु क्रमांक किसका सबसे ज्यादा है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होगा उसको हम देंगे नंबर वन ठीक है तो यहाँ पर हमने इनके परमाणु क्रमांक लिख लिए तो सबसे ज्यादा किसका है परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का तो नंबर वन इसे देंगे उसके बाद कौन है क्लोरीन तो नंबर टू इसे देंगे इसके बाद किसका है फ्लोरीन तो नंबर थ्री इसे देंगे और सबसे कम है किसका हाइड्रोजन का तो नंबर चार इसे देंगे तो यहां तो हमने प्रायोरिटी दे दी नंबर वन पे होगा ये फिर क्या होगा नंबर टू नंबर थ्री और ये नंबर फोर ये तो तब है जब परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं यहां पर हम देखें कि सभी का परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग है अलग अलग परमाणु जुड़े हुए सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसको नंबर वन दे दिया फिर उससे कम वाले को नंबर टू और जो सबसे कम होगा परमाणु क्रमांक उसको देंगे हम नंबर फोर सबसे लास्ट की प्रायोरिटी देंगे ठीक है पहला तो ये है रूल ठीक है अब आगे क्या अब मान लो ऐसा हो अब मान लो ऐसा हो कि परमाणु क्रमांक काम ही ना करे मतलब नोट कीजिए जल्दी से फिर आगे चलते हैं आगे देखते हैं नोट कीजिए तो यहाँ पर हमने प्रायोरिटी किस आधार पर दी परमाणु क्रमांक के आधार पर जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम उसको लोएस्ट प्रायोरिटी ठीक है आगे देखते हैं मिटा दो इसे चलिए देखते हैं हम आप सीखे प्रायोरिटी देना या नहीं अगर ऐसा दे दूं मैं ऐसा दे दूं, कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, एक जुड़ा हुआ है डिटेरियम एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है ट्राइटियम अब दो प्रायोरिटी वही अब कैसे दोगे अब कैसे दोगे पहला रूल तो क्या था पहला रूल ये था कि जब अलग अलग परमाणु जुड़े हुए होंगे तो उनका परमाणु क्रमांक देखेंगे और जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसको पहली प्रायोरिटी अब ये क्या हो गए अब ये तो हाइड्रोजन ट्राइटियम ड्यूटीरियम अगर आप जानते हो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं एक हाइड्रोजन वन एच एक ड्यूटीरियम होता है और एक होता है ट्रीटियम तीनों का ही परमाणु क्रमांक कितना है वन 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 तीनों का परमाणु क्रमांक कितना है वन 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 यानी कि अब क्या होगा अब तो परमाणु क्रमांक तीनों के सेम है परमाणु क्रमांक तीनों के सेम है अब प्रायोरिटी किसे देंगे हालांकि बात करें फ्लोरीन तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है नौ तो पहली प्रायोरिटी तो इसे ही मिल जाएगी सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक ही देखेंगे तो जब हमने परमाणु क्रमांक देखे फ्लोरीन का होता है नौ सबसे ज़्यादा तो इसी का ही है तो पहली प्रायोरिटी तो इसको दे दी चलो पहली तो इसको दे दी अब दूसरा किसे दें तीसरा किसे दें और चौथा किसे सें दें वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि तीनों के परमाणु क्रमांक सेम है कितना वन 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 इसका भी परमाणु क्रमांक वन इसका भी वन और इसका भी वन अब क्या करें अब तो परमाणु क्रमांक के आधार पर हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते ये तो अब क्या करेंगे क्या करेंगे भाई क्या करेंगे सोचे सोचे सोचो ये तीनों क्या हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं ये तीनों क्या हैं आइसोटोप हैं सम क्या बोलते हैं इनको आइसोटोप्स हिंदी में क्या बोलते हैं इनको रे हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी में तुम देख लेना क्या बोलते हैं आइसोटोप्स को ठीक है आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं आइसोटॉप किन को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं लेकिन इनके परमाणु भार क्या होते हैं अलग अलग होते हैं परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर आइसोटोप आ जाएंगे तो आइसोटोप्स में क्या करेंगे हम आइसोटॉप उपस्थित हो तो जिसका परमाणु भार अधिक होगा जिसका परमाणु भार अधिक होगा उसे अधिक वरीयता देंगे अधिक वरीयता देंगे ठीक है अब परमाणु क्रमांक तो सेम है आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। तो अब हम इनको प्रायोरिटी किस आधार पर देंगे परमाणु भार के आधार पर किस पर देंगे परमाणु भार के आधार पर क्योंकि तीनों आइसोटॉप्स हैं अगर परमाणु भार देखा जाए तो सबसे कम होता है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है डुटीरियम का और ड्यूटीरियम से ज्यादा होता है ट्रीटियम का तभी तो बोलते हैं एच टूओ को बोलते हैं जल डी टू को क्या बोलते हैं भारी जल और ट्रीटियम आ जाए टी टू तो वो उससे भी ज्यादा भारी होता है क्योंकि इनका परमाणु भार जो है वो बढ़ रहा है तो सबसे कम परमाणु भार किसका है हाइड्रोजन का उससे ज्यादा किसका है और सबसे ज्यादा किसका है ट्रीटियम तो परमाणु भार किसका सबसे ज्यादा है ये ऑर्डर लगेगा परमाणु भार किसका सबसे ज्यादा है ट्रीटियम का तो प्रायोरिटी पहली किसको मिलेगी ट्रीटियम को तो पहली प्रायोरिटी हम यहाँ पहले ही दे चुके हैं फ्लोरीन को अब इनमें डिसाइड करना है तो सबसे ज़्यादा भार है इसका परमाणु भार सबसे ज़्यादा किसका है एट्रीटियम का तो दूसरा नंबर किसे देंगे इसे फिर तीसरा किसको देंगे ड्यूटीरियम को और चौथा नंबर किसको देंगे हाइड्रोजन को ऐसा कब करेंगे जब परमाणु भार बो सॉरी परमाणु क्रमांक सेम हो ये कंडीशन कब आएगी जब परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो जब परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो तब हम प्रायोरिटी किस आधार पर देते हैं परमाणु भार के आधार पर देते हैं सबसे पहले तो हम परमाणु क्रमांक ही देखेंगे सबसे पहली कंडीशन क्या देखेंगे हम परमाणु क्रमांक देखेंगे सबसे पहले लेकिन अगर कहीं पर परमाणु क्रमांक वाला रूल नहीं लग पा रहा है क्योंकि आइसोटॉप दे दिए गए हैं जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है तो वहां पर हम परमाणु भार को वरीयता देंगे जिसका परमाणु भार ज़्यादा उसकी परिफरेंस ज़्यादा जिसका परमाणु भार कम उसकी प्रीफ्रेंस कम ठीक है आगे देखते हैं चलो भाई ये भी सीख गए वरीयता देना सीख गए सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखा जाता है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसको पहली प्रायिकता था ठीक है पहली प्रायोरिटी। जब परमाणु क्रमांक काम ना करे, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे हम फिर देखते हैं हम परमाणु भार क्या देखते हैं हम परमाणु भार ठीक है लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए यहाँ पर जुड़ा हुआ है सी एच थ्री एक तरफ जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल एक तरफ जुड़ा हुआ है और एक तरफ जुड़ा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री अब ये कार्बन जो है यहाँ पर ये कार्बन कैसा है ए सीमेट्रिक कार्बन है ये कार्बन कैसा है ए सीमेट्रिक कार्बन है. है इस पर चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं इस पर चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं अब बताओ भाई प्रायोरिटी कैसे दोगे इम्पोर्टेंट तो यहाँ आएगा अगर यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करना सीख गए आपके कैसे प्रायोरिटी दी जाएगी तो आप कहीं पर भी प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकते हैं कैसे भी प्रायोरिटी निकाल सकते हैं कि पहला कौन होगा दूसरा कौन होगा तीसरा कौन होगा चौथा कौन होगा अगर आप एक बार ये डिसाइड कर लें कि पहला कौन है दूसरा कौन है तीसरा कौन है चौथा कौन है तो उसके बाद आर एस निकालना बहुत ईजी है उसमें तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो ठीक है तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर ये जो कार्बन है ठीक है इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं इस कार्बन से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है इस कार्बन से देखेंगे कौन क्या डायरेक्टली अटैच है डायरेक्टली अटैच मतलब सीधे जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन से तो सभी कार्बन जुड़े हुए हैं और कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं तो फिर भाई अब हम प्रायोरिटी कैसे देंगे कैसे देंगे कैसे देंगे तो अगर हम यहां देखें तो ये तो चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते किसको वन किसको टू किसको थ्री देंगे तो फिर क्या करेंगे हम और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे यहाँ तो से गए सी आई कार्बन है ज़िए यहाँ पर आए कार्बन है यहाँ पर आए कार्बन है यहाँ पर आए कार्बन है नहीं डिसाइड कर पाए किसको पहला नंबर दें फिर क्या करेंगे थोड़ा और आगे चलेंगे थोड़ा और आगे चलेंगे मतलब इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है केवल तीनों क्या जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन 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 तीनों क्या जुड़े हुए हैं इस कार्बन से हाइड्रोजन जबकि इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है एक तो हाइड्रोजन है और दो क्या है कार्बन इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और दो कार्बन ठीक है पहले ही लिख लें इस कार्बन से केवल हाइड्रोजन 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 जुड़े हुए हैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और दो कार्बन है ठीक है इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन तो इस कार्बन से तीनों क्या जुड़े हुए हैं कार्बन 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 और अगर इस कार्बन की बात करें तो इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है दो तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है दो हाइड्रोजन है एक कार्बन है अब डिसाइड कर लेंगे हम प्रायोरिटी अगर नीचे की तरफ आते हैं इस कार्बन पर तो इस पर कौन है तीनों के तीनों कार्बन है इस पर कौन है तीनों के तीनों कार्बन है तो इसको हम क्या दे देंगे पहली प्रायोरिटी इसको दे देंगे नंबर वन क्योंकि इस पर तीनों ही क्या जुड़े हुए हैं कार्बन 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 जिनका परमाणु क्रमांक कितना है सिक्स 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 कार्बन का परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है तो तीनों ही सिक्स 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 वाले हैं पहली प्रायोरिटी अब दूसरा नंबर किसको दें यहाँ देखें तो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है यहाँ पर देखें तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का एटम नंबर वन कार्बन का होता है सिक्स ठीक है यहाँ पर तीन कार्बन थे इसलिए पहली प्रायोरिटी यहां पर कितने है? दो कार्बन और यहां पर केवल एक ही है तो किसका वजन ज्यादा है किसका पलड़ा ज्यादा है इस वाले कार्बन का क्योंकि इस पर कितने कार्बन है दो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है तो दूसरा नंबर इसे, दे दे इस इसे दे देंगे हम इस पर दो कार्बन है एक हाइड्रोजन है दूसरा नंबर इसे दे देंगे अब बात करें इन दोनों में तीसरा नंबर किसे दें तो इस पर तो तीनों क्या है हाइड्रोजन 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 है है ना, ना? जबकि इस पर क्या है दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है कार्बन मौजूद है इस पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सिक्स तो किसका पलड़ा भारी है इस पर तो तीनों हाइड्रोजन है जिनका एटॉमिक नंबर वन 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 है जबकि इस पर क्या है दो हाइड्रोजन है और एक आ गया कार्बन और तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया हाइड्रोजन से क्या होता है कार्बन का ज़्यादा तो तीसरी प्रायोरिटी किसे मिल जाएगी इसे और चौथी प्रायोरिटी हम इसको देंगे समझ में आया समझ में आया है नहीं ये कार्बन इसे एसीमेट्रिक सेंटर से देखेंगे चारों तरफ गए तो देखा कार्बन 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 नहीं दे पाए वन टू थ्री फोर नहीं दे पाए फिर हमने क्या किया हमने देखा कि इन कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है वो देखें तो इस कार्बन से तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए थे लिख दिए हमने इस कार्बन से दो कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लिख दिया हमने इस कार्बन पर देखा तो तीनों के तीनों कार्बन 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 है तो यहाँ पर तीनों ही ऐसे एटम है जिनका एटोमिक नंबर सबसे ज़्यादा है सिक्स 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 कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर कम हो तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसको प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा तो इस पर कार्बन है बहुत सारे इसलिए पहला नंबर दे दिया फिर हमने देखा यहां पर तो केवल एक ही कार्बन है जबकि यहां पर कितने हैं दो तो दो कार्बन होने की वजह से इसका पलड़ा क्या है बाहरी तो ये क्या हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा फिर यहां देखें यहां केवल हाइड्रोजन 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 है यहां पर क्या है दो हाइड्रोजन और एक कार्बन और कार्बन की वजह से ये क्या हो गया ज़्यादा भारी तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई तो तीसरा नंबर इसे दिया और ये सबसे लोअर प्रायोरिटी का चौथा नंबर इसे दे दिया ठीक है तो इस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है इस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है समझ में आया नोट कीजिए जल्दी से समझ में आया नोट किया ठीक है अब हम कार्बन पर ना देखें नॉर्मली आपकी प्रायोरिटी देने की ताकत को चेक करते हैं कि आप कितनी प्रायोरिटी दे पाएंगे यहां सही सही दे ली तो फिर मैं चार वो लिख रही हूँ चार विन्यास लिख रही हूँ आपको मुझे बताना है कि पहली प्रायोरिटी हम किसे दें एक पर लिया है मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ठीक है एक में लिया है मैंने कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन ही ले लें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन लगा हुआ है एक पे है हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन और एक पर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर अब बताओ क्या प्रायोरिटी देंगे क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जैसे ये कार्बन है ठीक है तो इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है एक पर तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ठीक है दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एक ऑक्सीजन तो है तो तो हम प्रायोरिटी देनी है ये कार्बन पे जुड़े हुए हैं एक कार्बन ऐसा है जिस पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है एक कार्बन ऐसा, ऐसा है जिस पर दो हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन है एक कार्बन ऐसा है जिस पर दो हाइड्रोजन और एक सल्फर जुड़ी हुई है और एक कार्बन ऐसा है जिस पर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक सल्फर जुड़ी हुई है अब हमको प्रायोरिटी देनी है कि हम किस कार्बन को पहली प्रायोरिटी देंगे तो हम हमारा रूल लगाएंगे सी रूल सी रूल क्या कहता है के सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होगा तो हमको दिख रहा है इन तीनों में देखा जाए हाइड्रोजन को छोड़ दें हाइड्रोजन का तो वन, वन वन है तो किसको ऑक्सीजन ब्रोमीन सल्फर ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा ब्रोमीन का कितना थर्टी फाइव सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है ब्रोमीन का थर्टी फाइव तो पहली प्रायोरिटी तो इसी को मिल गई पहली प्रायोरिटी उस कार्बन को मिलेगी जिस पर कौन जुड़ा हुआ होगा ब्रोमीन जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ होगा उसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे अब बात करते हैं आगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है कितना पैंतीस ऑक्सीजन का कितना है? 8 का होता है एट और सल्फर का कितना होता है बत्तीस तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका था ब्रोमीन का तो पहली प्रायोरिटी दे दी अब देखें अब ऑक्सीजन और सल्फर में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सल्फर का कितना थर्टी टू तो सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे बताओ भाई सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे दो जगह सल्फर है यहां पर दो जगह सल्फर है यहां पर भी सल्फर है यहां पर भी सल्फर है अब पहली प्रायोरिटी किसको देंगे तो हम देखेंगे यहां भी सल्फर बत्तीस बत्तीस अब दूसरा क्या डिसाइड करेगा ऑक्सीजन डिसाइड करेगा यहां पर तो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है जिनका एटोमिक नंबर कितना है वन वन जबकि यहां देखें तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर कितना होता है आठ तो हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर क्या है ज़्यादा सल्फर तो दोनों सेम हो गए सल्फर के आधार पर नहीं दे सकते क्योंकि इन दोनों का एटोमिक नंबर सेम है अब क्या देखेंगे अगला चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है जिनका एटोमिक नंबर कम है जबकि यहाँ पर कौन है यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है सल्फर है तो दूसरी प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी इसको मिल जाएगी सॉरी हाइड्रोजन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर ज़्यादा तो ये जीत गया दूसरी प्रायोरिटी इसको मिल गई अगर ये दूसरी प्रायोरिटी पे आया तो इसको कौन सी मिलेगी तीसरी तीसरी क्यों क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फर है सल्फर का बत्तीस ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर है आठ तो कौन जीत गया ये जीत गया इसको मिल गई तीसरी प्रायोरिटी और ये हार गया बेचारा ये रह गया लोएस्ट प्रायोरिटी में इसको देंगे हम चौथी प्रायोरिटी तो आई थिंक अब आपको प्रायोरिटी देना आ गया होगा इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको और कुछ नहीं समझाया जा सकता प्रायोरिटी देना कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखें बार बार आप प्रायोरिटी देकर देखें कॉपी पर उतारें रफ करें जब तक आपको समझ में ना आ जाए ये बहुत इजीएस्ट वे है प्रायोरिटी सीखने का कंफ्यूजन का तो कोई चांस है ही नहीं ठीक है भाई अगर ऐसा मौजूद हो अगर ऐसा दे दिया है हमको यहाँ दे दिया है ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है सी डबल वन ओ एच ठीक है और ये ओ एच ओ एच और यहां दे दिया हो सी एच टू ओ एच अब तुमसे बोला जाए चलो भैया प्रायोरिटी दो किसको दोगे पहली प्रायोरिटी ठीक है किसको दोगे पहली प्रायोरिटी तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है एसिमेट्रिक सेंटर ये वाला कार्बन अब देखेंगे इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा हुआ है सबसे पहले हम डायरेक्ट अटैचमेंट देखते हैं डायरेक्टली कौन कौन जुड़ा हुआ है इधर कार्बन जुड़ा हुआ है इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन जैसे इधर पहुंचे यहां क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन यहां क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन का एटोमिक नंबर छह ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर आठ तो किस कौन जीत गया जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और बाकी की चीज़ों पर तो हम तब जाएंगे जब हम पहले डायरेक्ट नहीं देख पाएं अगर ये भी कार्बन ही होता तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ता कि किसको पहला दें लेकिन अभी तो डिसाइड करने का कोई वही नहीं है अब तो सीधी सीधी सी बात है ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ये सीधे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन से अगर तीनों में देखा जाए किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो पहली प्रायोरिटी तो इसी को दे देंगे ठीक है बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं चौथी प्रायोरिटी दे देंगे इसे अब बात है इन दोनों में अब किसको दूसरी प्रायोरिटी दी जाए दूसरा नंबर किसे दिया जाए इसे या इसे इसे या इसे तो अब यहाँ पर केस आता है कार्बन किससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से कौन कार्बन तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं तीसरी कंडीशन आती है यहां यदि क्या है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो यदि किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित तो तो डबल बॉन्ड क्या हो जाता है तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है डुप्लीकेट डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है भाई डुप्लीकेट और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाता है डबल बॉन्ड का डुप्लीकेट हो जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा ट्रिप्लीकेट क्या मतलब है भाई डबल बॉन्ड का डुप्लीकेट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिप्लीकेट हो जाएगा क्या है ये समझ ही नहीं आया ठीक है समझते हैं क्या है ये जैसे ये वाला कार्बन दे रखा है C डबल बॉन्ड O और इस पर क्या जुड़ा हुआ H, है H ठीक है यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड है तो जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ क्या करेंगे हम डुप्लीकेट करेंगे डुप्लीकेट का मतलब क्या है भाई डबल बॉन्ड को हटाएंगे डबल बॉन्ड को हटाएंगे और इस पर एक बॉन्ड लगाएंगे इस पर एक बॉन्ड लगाएंगे ठीक है यहाँ डबल बॉन्ड था ना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या किया हमने डबल बॉन्ड को हटाया ठीक है भाई हटा दिया यहां एक बॉन्ड लगाया और एक बॉन्ड लगाया ऑक्सीजन पर ठीक है तो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से तो इस बॉन्ड से कौन जुड़ेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से तो यहां पर कौन आ जाएगा कार्बन इसका मतलब डबल बॉन्ड क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया इसी को बोला जाता है डबल बॉन्ड क्या हो गया डुप्लीकेट हो गया कैसे डबल बॉन्ड हट गया उसकी जगह जो कार्बन था कार्बन से कौन जुड़ गया ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन था उससे कौन जुड़ गया कार्बन कार्बन से जोड़ दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जोड़ दिया कार्बन और डबल बॉन्ड को हटा दिया इसको क्या बोलते हैं डुप्लीकेट डबल बॉन्ड क्या हो गया यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया अब ट्रिप्लीकेट क्या होता है अब जैसे ऐसा मौजूद हो सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब यहाँ पर क्या है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो जैसे डबल बॉन्ड को हमने डुप्लीकेट किया था वैसे ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करेंगे ट्रिप्लिकेट करेंगे ट्रिप्लिकेट मतलब ये वाला बॉन्ड हटाया तो एक एक बॉन्ड यहां जोड़ दिया ठीक है अब ये वाला बॉन्ड हटाएंगे तो एक एक बॉन्ड यहां जोड़ दिया क्या किया है दोबारा देखो ऐसे था ये ऐसे था ठीक है सी ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से दे रखा था एक डबल बॉन्ड को हटाया तो दोनों से एक एक बॉन्ड जोड़ दिया दूसरा डबल बॉन्ड हटाया तो एक बॉन्ड और जोड़ दिया कार्बन किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से तो इस बॉन्ड पे कौन जुड़ेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है कार्बन से तो ये जो बॉन्ड बना है इन पर कौन जुड़ेगा कार्बन तो अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये क्या गया? हो गया ट्रिप्लीकेट हो गया ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया ट्रिप्लीकेट हो गया ट्रिपल बॉन्ड ट्रिप्लीकेट हो गया तो ये हो गया डुप्लीकेट डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है डुप्लीकेट हो जाता है और ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाता है ट्रिप्लीकेट डबल बॉन्ड का डुप्लीकेट ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिप्लीकेट कैसे करेंगे वो मैंने दिखा दिया आपको ठीक है अब यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है तो कैसे देंगे हम भाई प्रायोरिटी देखते हैं पहली और चौथी तो दे दी हमने अब दूसरा और तीसरा नंबर किसको दें तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड तो हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड का डुप्लीकेट कर देंगे डबल बॉन्ड को हटाएंगे और दो नए बॉन्ड जोड़ दिए एक बॉन्ड हटाया डबल बॉन्ड और दो नए बॉन्ड जोड़ दिए ऑक्सीजन से जोड़ दिया कार्बन कार्बन से जोड़ दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जोड़ दिया कार्बन कार्बन से जोड़ दिया ऑक्सीजन अब डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी भाई यहाँ आए कार्बन पड़ गया रास्ते में यहाँ भी गए कार्बन पड़ गया रास्ते में दोनों कार्बन कार्बन अब किसी को वन टू थ्री फोर तो नहीं दे सकते जब यहाँ पर आई थी बात तो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन था डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ था डायरेक्ट में कौन था कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर ज़्यादा तो ऑक्सीजन जीत गया अब इन दोनों में तो कार्बन कार्बन अब किसको दें फिर और आगे चलते हैं इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और क्या जुड़ा हुआ है इधर ऑक्सीजन और एक ऊपर ऑक्सीजन तो दो जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है लिख लिया भाई हमने अलग से अब इस कार्बन पर देखें क्या क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन पर देखें तो दो तो हाइड्रोजन है इस कार्बन पर क्या है दो हाइड्रोजन है लिख दिए भाई दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है अब तो सीधी सी बात है अब तो आप देख लिए, यहाँ दो ऑक्सीजन है यहाँ एक ऑक्सीजन है किसका पलड़ा भारी यहाँ पर दो ऑक्सीजन होंगे उसका पलड़ा भारी तो यहाँ पर कौन जीत गया जिसमें दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन है इसलिए दूसरी प्रायोरिटी इसको दे दी यहां पर केवल एक ऑक्सीजन है तो तीसरी इसको दे दी तो वन टू थ्री और फोर तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं ठीक है जल्दी से नोट करो और देखते हैं आगे देखते हैं आगे ठीक है अब प्रायोरिटी निकालना तो सीख गए होंगे आप तो अब देखते हैं आर एस क्या देखें आर एस की बात करते हैं प्रायोरिटी निकालना सीख गए तो अब आर एस निकालते हैं सीधा अब आर एस निकालना सीखेंगे प्रायोरिटी निकालना तो सीख गए तो आज हम जो आर एस निकालेंगे वो वेज रिप्रेजेंटेशन में तो हम यहाँ लिखेंगे आर एस यहाँ यूँ लिखें वेज रिप्रेजेंटेशन में आर एस नामकरण वेज रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं वेज में क्या होता है जैसे एक कार्बन है दो बॉन्ड तो होंगे प्लेन पर दो बॉन्ड कैसे होते हैं दो बॉन्ड को हम सिंपल लाइन से दर्शाते हैं ये क्या बताते हैं प्लेन पर और दो बॉन्ड ऐसे होंगे एक तो होगा एव ऑफ द प्लेन एक तो होगा थिक लाइन से मोटी लाइन से और एक होगा डैश लाइन से ठीक है ये बताता है एव ऑफ द प्लेन यानी कि तल के ऊपर है और ये बताता है बिलो द प्लेन बताया था ना आपको शुरुआत में और इनका क्या मतलब है इनका मतलब है ऑन द प्लेन मतलब ये तो तल पर उपस्थित हैं ये दोनों बॉन्ड क्या है तल पर उपस्थित हैं ये दोनों बॉन्ड क्या है तल पर मतलब ये तो यहाँ ऐसे उपस्थित हैं ये दोनों तो तल पर हैं बोर्ड पर उपस्थित हैं बिल्कुल चिपके हुए हैं बोर्ड से ये वाला बॉन्ड क्या है बोर्ड के ऊपर है ये वाला बॉन्ड क्या है बोर्ड से ऊपर ये बॉन्ड कैसा है बोर्ड के ऊपर इस तरीके से एवब द प्लेन और ये वाला क्या है बोर्ड के पीछे अब वो मैं नहीं दिखा सकती पीछे वाला भाई पीछे तो कैसे जाऊँ जादू थोड़ी ना है मेरे पास ये वाला मतलब बोर्ड के पीछे है तो यहाँ पर जब भी हम वेज रिप्रेजेंटेशन में आर एस नोमन करेंगे तो सबसे पहली कंडीशन क्या है ओरिएंटेशन डिफाइन होनी चाहिए बॉन्ड की ओरिएंटेशन यानी कौन एवव है कौन बिलो है ये पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन एवव है कौन बिलो है ये पता होना चाहिए तो देखते हैं कैसे करेंगे देखते हैं ठीक है यहां पर तीन कंडीशन है जब हम वेज की बात कर रहे हैं तो यहां पर तीन कंडीशन आएंगी यहां पर भी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे जब हमें नामकरण करना होगा सबसे पहले क्या करना है वरीयता प्रदान करनी है वरीयता प्रदान करते हैं किसके अकॉर्डिंग CIP नियम के अनुसार यानी कि जैसे ही हमें एक ऐसा कार्बन दिखा जिस पर चार अलग अलग ग्रुप हैं तो सबसे पहला काम आपको फटाफट से करना है प्रायोरिटी देनी है CIP रूल के अनुसार जैसे अभी हमने सीखा सबसे पहला काम क्या करना है आपको प्रायोरिटी देनी है CIP रूल के अनुसार ठीक है एक बार आप अगर प्रायोरिटी दे, दे दें अगला काम तो अब शुरू होगा सबसे पहला काम तो प्रायोरिटी वाला है उसके बाद जो दूसरा काम है वो अब शुरू होगा क्या क्या भाई हो सकता ऐसा मौजूद हो पहले मैं बना दूं ठीक है हाइड्रोजन को देखेंगे हम सबसे कम वरीयता हम जैसे अभी तक हमने जितने भी वरीयता वाले एग्जाम्पल देखे तो जो सबसे कम वरीयता दी जाती है वो किसको दी जाती है हाइड्रोजन को क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है वन और उससे कम एटॉमिक नंबर वाला कोई और एटम हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन निकलौता है ऐसे है जिसका एटोमिक नंबर सबसे कम है वन तो हम हाइड्रोजन रखें हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हो ठीक है हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हो और तीसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है हाइड्रोजन कहाँ पर हो प्लेन पर हो ठीक है प्लेन पर मौजूद हो तो अब तीनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से आर एस निकलेंगे ठीक है तीनों कंडीशन में ये तीन कंडीशन हो गई ये कंडीशन नंबर वन ये कंडीशन नंबर टू और यह है कंडीशन नंबर थ्री तीनों कंडीशन में अलग, अलग अलग तरीके से आर एस निकालेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे इसकी बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है यदि सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले वरीयता प्रदान करते हैं ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे वरीयता प्रदान करेंगे वरीयता प्रदान करते हैं ठीक है अच्छा आपको इजी समझ में आ उससे पहले मैं इसको ऐसे कर दूं। ये वाला जो हाइड्रोजन है यहां पर इसको बिलो द प्लेन कर दूं और ये वाला हाइड्रोजन है एवव द प्लेन कर दूं क्योंकि इससे आप जल्दी समझ पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हमको वरीयता प्रदान करनी है और क्या होना चाहिए वरीयता प्रदान करते हैं ठीक है फिर क्या करते हैं फिर देखते हैं कि जिस समूह को जिस समूह को सबसे कम जिस समूह को सबसे कम वरीयता मिलती है मिलती है वह सदैव कहाँ होना चाहिए वह सदैव तल के नीचे होना चाहिए यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है हमको प्रेफरेंस देनी है प्रायोरिटी देनी है और ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम प्रायोरिटी दें जब भी हम प्रायोरिटी दें तो वो ग्रुप जिसे सबसे कम प्रायोरिटी मिल रही है यानी जिसे हम चौथा नंबर दे रहे हैं वो हमेशा कहाँ होना चाहिए वेज में वो हमेशा वेज में कहाँ होना चाहिए बिलो द प्लेन हमेशा कहाँ होना चाहिए बिलो द प्लेन होना चाहिए यानी कि तल के नीचे होना चाहिए तल के पीछे या तल के नीचे होना चाहिए बिलो द प्लेन होना चाहिए यदि ऐसा है अगर आपने कंडीशन दी सबको सेटिस्फाई है चौथा ग्रुप कहाँ पर है बिलो द प्लेन मौजूद है तो नीचे होना चाहिए यदि ऐसा मौजूद है यदि ऐसा है तो क्या करेंगे फिर यदि ऐसा है तो तो क्या करेंगे तो तो क्या करेंगे तो, तो, क्या करेंगे? तो हम मूव करेंगे मोशन करेंगे उच्च वरीयता से निम्न वरीयता की तरफ उच्च उच्चवरीय तो क्या करेंगे ऐसा है तो उच्च वरीयता से उच्च वरीयता से निम्न वरीयता तक जाने पर यदि यदि मूवमेंट हमारा जो मूवमेंट है यदि मूवमेंट क्लॉकवाइज है यदि मूवमेंट कैसा हो क्लॉकवाइज तो उसे आर कहते हैं यदि मूवमेंट कैसा है क्लॉकवाइज तो उसे क्या कहते हैं तो उसे आर कहते हैं और यदि मूवमेंट क्या हो यदि उच्च से निम्न तक जाने पर मूवमेंट कैसा हो एंटी क्लॉकवाइज हो यदि मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसे क्या कहते हैं तो उसे एस कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं एस कहते हैं याद रखिएगा सबसे पहले क्या करना है हमको जब भी हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाए आर एस निकालने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए आर एस निकालने के लिए तीन कंडीशन लेकर चलेंगे हम तीन कंडीशन है हमारे पास सबसे पहले हम कौन सी पहली कंडीशन देख रहे हैं कि सबसे पहले वर्गीयता प्रदान करेंगे फिर देखेंगे कि जिस ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिली है यानी चौथा नंबर मिला है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए तल के पीछे होना चाहिए हमेशा कहाँ होना चाहिए तल के पीछे अगर ऐसा मौजूद है चौथा ग्रुप कल के पीछे मौजूद है तो फिर क्या करेंगे फिर हम मूवमेंट करेंगे मोशन करेंगे उच्च से निम्न की ओर अगर मोशन क्लॉकवाइज होता है तो आर और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एस क्लॉकवाइज होगा तो आर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो हमने शुरुआत में मॉलिक्यूल लिया था उसे लेकर चलते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए भाई ये कार्बन है मैं ऐसे लिख दूँ ठीक है यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ फ्लोरीन है यहाँ क्लोरीन है और यहाँ है ब्रोमीन ऐसे दे दिया मैंने वेज में है से इस कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये क्या है एक असमित कार्बन है ठीक है क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले वरीयता देनी है सबसे पहले क्या देनी है प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कर लो भाई प्रायोरिटी कैसे करेंगे सी रूल के अनुसार प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे सी रूल के अनुसार तो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा तो वन प्रायोरिटी मिली ब्रोमीन को दूसरा परमाणु क्रमांक किसका है क्लोरीन का ज़्यादा है तो दूसरी प्रायोरिटी इसे तीसरी इसे और बेचारा हाइड्रोजन सबसे कम परमाणु क्रमांक तो इसी का होता है तो इसको दे दी हमने चौथी प्रायोरिटी कर लिया हमने पहला काम प्रायोरिटी दे दी अब क्या देखना है अब क्या देखना है कि जिसको कम प्रायोरिटी मिली है वो कहाँ होना चाहिए बिलो द प्लेन तो देखा हाँ भाई हाइड्रोजन को कम पर, कम प्रायोरिटी किसको मिली है हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन कहाँ मौजूद है बिलो द प्लेन चलो ठीक है इतना भी हो गया हाइड्रोजन कहाँ मौजूद है बिलो द प्लेन मौजूद है ठीक है अब क्या करना है यहाँ तक तो हो गया इतना तो ठीक है चलो हो रहा है अब आगे क्या करना है अगर ऐसा है तो अब क्या करना है उच्च वरीयता से निम्न वरीयता तक जाने पर अब हम मूव करेंगे क्या करेंगे मूव करेंगे उच्च से निम्न की ओर उच्च से निम्न की ओर उच्च कौन सा था सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी थी वन तो हम कहाँ करेंगे वन से फोर की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे ये वन है यहाँ से चलना शुरू किया वन टू थ्री फोर ऐसे चल कर आए ये मोशन की डायरेक्शन है वन टू थ्री फोर ऐसे ही तो चला वन टू थ्री फोर तो डायरेक्शन क्या रही अब ये देखो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी कैसे चलती है अगर घड़ी है तो वो ऐसे चलती है घड़ी कैसे चलती है ऐसे जबकि ये तीर कैसे जा रहा है ये तीर जा रहा है उल्टा ये तीर तो घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है ना ये तीर कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कैसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और अगर एंटी क्लॉकवाइज़ गया जब हम उच्च से निम्न की तरफ देखें तो हमने देखा मूवमेंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज़ है मूवमेंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो जाएगा एस ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी एस हो जाएगी क्या हो जाएगी s तो इसे हम क्या कहेंगे s ठीक है प्रायोरिटी डिसाइड की फिर देखा चौथा ग्रुप कहाँ होना चाहिए हमेशा बिलो द प्लेन फिर क्या करेंगे उच्च से निम्न की ओर चलेंगे उच्च से निम्न की ओर तो 1 2 3 1 से 2 पर जाएंगे 2 से 3 3 से कहाँ जाएंगे 4 तो 1 2 3 4 जब हम चले 1 2 3 4 तो हमारा मूवमेंट कैसा रहा एंटी क्लॉकवाइज कैसा रहा एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या हो गया s क्या हो गया एस हो गया मूवमेंट रहा एंटी क्लॉक वाइज तो ये क्या हो गया एस हो गया ठीक है भाई एस हो गया लेकिन अगर ऐसा हो लेकिन अगर ऐसा दिया गया हो यहां पर हो ब्रोमीन ठीक है यहाँ पर हो हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पर हो फ्लोरीन और यहाँ पर हो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन इसका आर एस निकालो अब अब निकालो चलो भाई निकालते हैं पहला काम क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी क्लोरीन का दूसरी प्रायोरिटी फ्लोरीन का तीसरी प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को चौथी प्रायोरिटी दे दी प्रायोरिटी तो दे दी फिर देखना है कि चौथी प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए बिलो द प्लेन देखा अरे हाँ ये भी ठीक है भाई चौथी प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है बिलो द प्लेन है कहाँ है बिलो द प्लेन है ठीक है अब क्या करेंगे अब मूवमेंट करेंगे कहाँ से हाई ना, ना, से लो की तरफ तो वन कैसे जाएंगे वन से टू पर जाएंगे टू से थ्री पर जाएंगे थ्री से कहाँ जाएंगे फोर की तरफ पहले वन से कहाँ आएंगे टू टू से थ्री थ्री से कहाँ गए फोर अब घड़ी कैसे चलती है अभी भी ये कैसा मूवमेंट है ऐसे ना देकर के ऐसे दे लो दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसे लेते हैं क्योंकि हमने एस बनाया तो आर वाला भी तो बनाना चाहिए ये ब्रोमीन ये हाइड्रोजन यहां पर क्लोरीन है यहां पर फ्लोरीन है ऐसे ले लेते हैं ठीक है पहली प्रायोरिटी दूसरी तीसरी और ये हो गई चौथी ठीक है प्रायोरिटी दे दी हाइड्रोजन कहाँ बिलो द प्लेन है ठीक है अब क्या करेंगे हाई से लो की तरफ चलेंगे हाई से लो की तरफ हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ चलेंगे तो ये वन है तो यहाँ से चलना शुरू किया वन से टू टू से गए थ्री थ्री से गए फोर वन से गए टू टू से गए थ्री थ्री से गए फोर अब मूवमेंट कैसा है घड़ी कैसे चलती है ऐसी तो चलती है घड़ी कैसे चलती है ऐसे ही तो चलती है घड़ी ऐसे ही तो चलती है तो ये मूवमेंट कैसा है क्लॉक अब ये मूवमेंट कैसा है जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ गए जब हम हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी की तरफ गए तो मूवमेंट कैसा है क्लॉक अब कैसा है क्लॉक और क्लॉक होगा तो उसे क्या कहेंगे हम आर क्लॉक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे आर तो इसको क्या कहेंगे हम आर तो ये है आर यहां पर मूवमेंट कैसा था एंटी क्लॉक तो इसे क्या कहा था एस यहां पर मूवमेंट कैसा है क्लॉक इसे कहा है आर ठीक है बाकी की जो दो कंडीशन है हम अगले लेक्चर में देखेंगे फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे आर एस का तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप अभी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कोई डाउट हो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा देखते हैं अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर